Welcome students. Today we are going to start the second unit. Its first chapter is bills of exchange. जो second unit का first chapter है bills of exchange, इसको start करने से पहले brief background आप लोगों को पता होना चाहिए कि bills of exchange किस लिए पढ़े जाए और bills of exchange का meaning क्या है। तो जो सबसे important बात है, इसके दो parts हैं इस word के, bills of exchange के दो parts हैं। पहला term है bill और दूसरा जो टर्म है वो है एक्सचेंज। बिल का मतलब है, जैसा एक नॉर्मल एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है हम लोगों की, कि जिस चीज का पेमेंट करना है या जिस चीज का पेमेंट रिसीव करना है उसका एक एविडेंस होता है, विच इज कॉल्ड बिल। और हम लोगों की सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, वाटर का बिल होता है, मोबाइल का बिल होता है, हम लोग घरों में रेगुलरली ये चीजें आती हैं, तो इनको हम बिल मानते हैं। इट्स अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और द मोबाइल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंगली देयर इज एन अमाउंट स्पेसिफाइड ऑन द बिल अलोंग विद द डेट, एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, दैट हैज टू बी पेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो बिल जो है ये वही डेफिनेशन है। एक्सचेंज वर्ड इसके लिए इसके अंदर इसलिए आया है कि जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज के चलते कोई बिल जनरेट होता है तो उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बहुत ही सिंपल, जब किसी चीज को खरीदने या बेचने के दौरान एक्टिविटी की वजह से बिल जनरेट होता है उसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से जनरेट होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग but a very simple kind of a piece of paper that defines what has been sold, in what quantity it has been sold, what is the date of sale, what will be the date of payment, payment ki terms kya hongi, aur kitna payment return karna hoga, kaun payment karne wala hai aur kaun payment receive karne wala hai, ye us bill ke upar bahut clearly likha hota hai। To kisi bhi transaction, sale purchase ke transaction ki wajah se bills of exchange generate hote hain। Bills word isliye use kiya gaya hai because we will be talking about a number of types of bills under the chapter bills of exchange। To isi ke saath hum log shuruaat karte hain ki what is the definition of bill of exchange as per section 5 of negotiable instruments act। Negotiable instruments act jo hai wo jitne bhi is desh ke andar अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांजैक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है पेमेंट्स के लिए, उनको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जैसे कि चेक, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लिखित में होता है, राइटिंग में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वर्बल नहीं होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, जिसके अंदर कोई किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं होगी, किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन ये एक ऑर्डर होगा साइंड बाय द मेकर, जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो इसे साइन करेगा, और डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे, एक किसी पार्टी या किसी पर्सन को पे करने का ऑर्डर करेगा, जिसने साइन किया है, जो मेकर है वो ऑर्डर करेगा एक आदमी को या एक संस्था को कि वो पेमेंट करे ए सम ऑफ मनी। इसका मतलब कोई अमाउंट इसके ऊपर मेंशनड होगा, कोई अमाउंट इसके ऊपर मेंशनड होगा, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत क्लियर है कि वो जो अमाउंट है उसको पे करने का ऑर्डर देगा उसका मेकर किसी संस्था को, किसी आदमी को, कि वो इसके ऊपर लिखे हुए आदमी के नाम को पेमेंट कर दे, या जो आदमी इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर उस संस्था या उस आदमी के पास पहुंचे तो उसको पेमेंट कर दे। तो ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर लेकर के आती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, इसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ये साइंड होता है, जो बनाता है इसको वो साइन करता है, इसके अंदर बनाने वाला किसी आदमी को ऑर्डर देता है कि एक अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाए, और किसको कर दिया जाए, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ नाम को पेमेंट कर दिया जाए, या फिर जो आदमी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर आए, प्रेजेंट करे, उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो अब हम इसके और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक सैंपल बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक स्पेसिमेन है,
इस तरीके का कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक लोकेशन यहां पर दिखाई दे रही है जम्मू, एक डेट डली हुई है, रिटर्न में देखिए है, और इसमें देखिए ऑर्डर है बिल्कुल क्लियर, 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे एक्स वाई जेड और ऑर्डर दी सम ऑफ ₹1,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और किसको पेमेंट करना है उसका नाम यहां पर है, उसका एड्रेस यहां पर है, कंप्लीट एड्रेस होगा यहां पर, स्टैंप लगेगा, साइन होगा, और यहां पर अथॉरिटी जिसने इश्यू किया है उसका नाम यहां पर आएगा और वो इसको साइन करेगा। जनरली कई बार वो एक लेटर हेड के तरीके से यहां पर भी नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह, और यहां पर सिग्नेटरी जिसको अथॉरिटी है बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करने की, वो इश्यू करता है। ठीक है, अब देखिए कितने पार्ट्स हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज के, उसे समझने के लिए देखिए, पिछले में आपने देखा एक डेट है, डेट लिखी हुई है ये रही, दूसरा फीचर है इसका टर्म, और तीसरा है अमाउंट। 3 months आफ्टर ड्यू डेट, टर्म लिखा हुआ है कितने महीनों के बाद आपको पेमेंट करना है, और अमाउंट लिखा हुआ है 1,000 ओनली, दोनों वर्ड्स में भी लिखा है और डिजिट्स में भी लिखा है। स्टैंप और पार्टीज बिल्कुल क्लियरली देखिए, स्टैंप लगा हुआ है, जिसको पेमेंट करना है उसका नाम यहां लिखा हुआ है, यहां पर जो है यूजुअली हेडिंग लिखा हुआ होता है किसने इश्यू किया है, मेकर कौन है, और यहां उसका सिग्नेचर होगा, स्टैंप को क्रॉस करता हुआ उसका सिग्नेचर होगा, डेट इसमें डली हुई है। ये जो डेट लिखी हुई है इसके 3 महीने के बाद का पेमेंट है। ठीक है, तो ये चार पांच इंपॉर्टेंट एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, और देखिए जो लीगल डेफिनेशन है वो कहती है अनकंडीशनल ऑर्डर, देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सीधे ऑर्डर लिखा है, 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे एक्स वाई जेड और ऑर्डर दी सम ऑफ ₹1,000, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या और फीचर्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, एक बिल के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित में ये डॉक्यूमेंट होगा, वर्बल एग्रीमेंट या बातचीत के जरिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट नहीं होता, इट हैज टू बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड स्लिप, जिसके ऊपर आप लिखित में ऑर्डर देंगे कि पेमेंट करना है, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। इलीगल है बिल ऑफ एक्सचेंज या वो बिल माना नहीं जाएगा विच हैज नॉट बीन साइंड बाय द मेकर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स या इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ एक्सचेंज भी जनरेट होते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि डिजिटली साइंड बाय द मेकर, और डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं उसका एक वॉल्ट बना हुआ है अब अलग अलग तरीके से, आईटी एक्ट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक वॉल्ट बना हुआ है जिसमें आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर्स स्टोर करने पड़ते हैं और वहां से यूज करने होते हैं। ठीक है, तो इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, दोबारा दिखा देता हूं, इट हैज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे सो एंड सो द सम ऑफ ₹1,000, देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी है, केवल इतना लिखा है इस तारीख को, 3 महीने के बाद जो तारीख आएगी इससे पेमेंट कर दीजिएगा ₹1,000 का, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी और मनी एंड मनी ओनली, देखिए इसमें कुछ और पेमेंट की बात अगर आप करेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड हो जाएगा, सर्विसेज या गुड्स के बदले आपको पेमेंट करना होता है और पेमेंट मनी में होता है। द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक, देखिए बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए क्या अमाउंट पे होना है, ₹1,000 इन वर्ड्स लिखा होना चाहिए और ₹1,000 इन डिजिट्स इन नंबर्स लिखा होना चाहिए, दोनों में फर्क होगा स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाएगी, विशेषता खत्म हो जाएगी, दो अलग अलग बातें, जैसे चेक पर या डिमांड ड्राफ्ट पर आपको जब आप बैंक से बनवाने जाते हैं, उसको इश्यू करने जाते हैं या पैसे निकालने जाते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि अमाउंट भी वही लिखा हो और उसके बदले में जो वर्ड्स में लिखा है और डिजिट्स में लिखा है वो भी सेम हो। द अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन अ स्टिप्युलेटेड टाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल एक बार इश्यू हो गया उसके ऊपर जो टाइमलाइन मेंशनड है उस टाइमलाइन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, अगर बिल नहीं आपने पे किया तो बिल को डिसऑनर्ड मान लिया जाता है, और डिसऑनर्ड बिल क्या होता है उसकी हम अलग डेफिनेशन समझेंगे और उसका प्रोसीजर अलग समझेंगे, लेकिन बिल मस्ट बी पेड विद इन अ स्टिप्युलेटेड टाइम। ठीक है, द
द नेम ऑफ द ड्रॉई मस्ट बी क्लियरली मेंशनड, द नेम ऑफ द ड्रॉई मस्ट बी क्लियरली मेंशनड। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टी है ड्रॉई, जिसको पैसे देने हैं, जिसको पैसे मिलेंगे, रिसीट जो होगी जिसकी पैसे की, जिसके पास, वो आदमी का नाम, उस पार्टी का नाम, उस संस्था का नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड। दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड लीगल इन नेचर कि उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई होगी जिससे उसकी पेमेंट की डेट भी फाइनलाइज होगी, और इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ द मेकर। तो स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, सरकारी स्टैंप आता है बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने का, वो लगा हुआ होना चाहिए। अब कौन कौन सी पार्टीज होती हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिफरेंट पार्टीज देखिए। जैसे मैंने बोला, एक मेकर है, एक आदमी उसको रिसीव करने वाला है, और एक को मेकर ऑर्डर देगा कि आप पेमेंट करिए। तो ये कौन कौन सी पार्टीज हैं, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो द फर्स्ट पर्सन इज द ड्रॉअर। फर्स्ट पर्सन इज द ड्रॉअर। ड्रॉअर का मतलब वो आदमी जो पैसे निकालना चाहता है या पैसे देना चाहता है। द पर्सन हु ऑर्डर्स अ बैंक टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम एन अकाउंट टू पे अ डेजिग्नेटेड पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आदमी जिसको पेमेंट करना है, वो जैसा मैंने कहा कि ऑर्डर देंगे आप एक आदमी को या संस्था को, तो वो आदमी या संस्था बैंक है। तो आप जब बिल बनाएंगे तो आप एक बैंक को ऑर्डर करेंगे कि प्लीज आप इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से विड्रॉ करके इस आदमी को पे कर दीजिए, डेजिग्नेटेड पर्सन को पे कर दीजिए। अ स्पेसिफिक सम अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द बिल, जो बिल के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट लिखा है और जो तारीख लिखी है, उस तारीख को मेरे अकाउंट में से ये पैसे आप दे दीजिए। दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉअर। बेसिकली द मेकर ऑफ द बिल इज यूजुअली द ड्रॉअर ऑफ द बिल, ठीक है, जिसके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, जिसको पेमेंट करना है, जो बिल बना रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द ड्रॉअर ऑफ द बिल। द सेकेंड पार्टी ऑफ द बिल इज ड्रॉई। द सेकेंड पार्टी ऑफ द बिल इज ड्रॉई, जिसको पैसे मिलने हैं। द पर्सन ऑन हूम द बिल इज ड्रॉन, जिस आदमी के लिए ये बिल लिखा गया है, ही इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। टू हिम द बिल इज कंसिडर्ड एज बिल पेएबल। ये वो आदमी है जिसके नाम से बिल बनेगा, जो आदमी बिल को एक्सेप्ट करेगा, जिस आदमी को इस बिल का पेमेंट करना है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जिस आदमी के नाम से ये बिल बनेगा, जिस आदमी के नाम पर जो आदमी इस बिल का पेमेंट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो आदमी इसका ड्रॉई बनेगा, जो कि डेटर है। तो अगर आप ड्रॉअर के पास चले जाएंगे, तो ड्रॉअर जो है वो आदमी जिसके अकाउंट से पैसे जाएंगे, वो आदेश देगा कि एक डेजिग्नेटेड आदमी को ये पैसे दे दिए जाए, मेकर ऑफ द बिल। दूसरा आदमी है ड्रॉई, जिसको बिल का पेमेंट करना है, ही सपोज टू पे द बिल, राइट। और तीसरा आदमी जो होगा वो पेई होगा, द पर्सन टू हूम द बिल मनी इज पेएबल। पेई का मतलब वो आदमी जो पैसा रिसीव करेगा इस बिल का। अल्टीमेटली ये बिल किसको पे होगा, ये बिल किसके लिए बना है, उस आदमी को पेमेंट आएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ड्रॉअर ऑफ द बिल हिमसेल्फ इज द पेई। टू हिम द बिल इज कंसिडर्ड एज बिल्स रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल। वो आदमी जिसने इस बिल को पेमेंट रिसीव करना है, इस बिल के ऊपर लिखा हुआ अमाउंट जिसे रिसीव करना है, वो पेई है। जनरल केसेस में ड्रॉअर और पेई एक ही होता है। तो अब मैं इसको वापस ले जाता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट पर सामान बेचा। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। अब देखिए, उधार का ट्रांजैक्शन होते ही मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर बी डेटर बन गए। मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर बी डेटर बन गए। डेटर बनने के बाद मिस्टर ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया, किसके नाम से, मिस्टर बी के नाम से, कि मिस्टर बी आप इस तारीख तक इसका पेमेंट मुझे कर दें, राइट। और आपने किसको डायरेक्ट किया, मिस्टर बी को डायरेक्ट किया कि आप इस तारीख तक पेमेंट कर दें। अनकंडीशनल ऑर्डर आपने निकाल दिया किसके लिए, मिस्टर बी के लिए, कि आप पेमेंट कर दें इस बिल का, इतनी तारीख तक ये अमाउंट है।
और उसके अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि या तो कैरियर जो बिल को लेकर के आया उसको पेमेंट कर दे, या उसका नाम जिसका नाम इस बिल पर लिखा है, जो कौन है, खुद ड्रॉअर है, मेकर है, या जिसको आप पेमेंट के वक्त पे ही बोलेंगे, वो आदमी मिस्टर ए है, उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल है। मिस्टर बी जो कि ड्रॉई है इस पूरे बिल के अंदर, उनके पास ये बिल आएगा, ही विल साइन इट, काउंटर साइन इट, और एक्सेप्टेंस देंगे कि आई एम रेडी टू पे दिस अमाउंट, और फिर उनको ड्यू डेट के दिन वो अमाउंट पे को पे करना होगा जिनके लिए ये बिल बिल्स रिसीवेबल बनेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेकर जो होता है, जिसको ड्रॉअर बोलते हैं, और पे जो रिसीव करता है बिल को, वो अलग हो सकते हैं। वो कंडीशंस क्या होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तीन मेन पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। इसमें जनरली ड्रॉअर और पे एक होते हैं, और ड्रॉई जो है जिसको इसका अमाउंट पे करना होता है, वो जो बिल्स पेबल की तरह इस अमाउंट को पे करता है उसको आप ड्रॉई कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फायदे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है या सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज है वो ये कि सेटलमेंट ऑफ डेट्स के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज हेल्प करता है। जैसे ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, मान लीजिए 2 महीने के उधार पर बेचा, और उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट किया, ये हेल्प किस में करेगा, सबसे पहली चीज डेट के पेमेंट में हेल्प करेगा, याद दिलाएगा मिस्टर बी को कि उनको कब मिस्टर ए को पेमेंट करना है, और मिस्टर ए के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मुझे 2 महीने के बाद मिस्टर बी से पेमेंट मिलेगी। इट फिक्सेस द डेट ऑफ पेमेंट, तो ऑब्वियसली टेनर जो है उसका तय कर देता है पेमेंट का। इट इज अ रिटन साइंड एक्नॉलेज्ड डॉक्यूमेंट फॉर डेट, ये एक तो रिटन डॉक्यूमेंट है तो लीगल हो जाता है, साइंड है और एक्नॉलेज्ड डॉक्यूमेंट है। देखिए मैंने बताया था बी के पास जब ये बिल पहुंचेगा, जो ड्रॉई ऑफ द बिल है वो इसको काउंटर साइन करके एक्सेप्ट करता है कि हाँ आई एम रेडी टू पे दिस अमाउंट। द मोमेंट ही एक्सेप्ट्स द बिल ही हैज टू लीगली पे दैट अमाउंट टू द पेई। A debtor enjoys full period of credit. इसके अंदर एक और बहुत बड़ा फायदा, जो debtor है, जो उधार लेने वाला है, उसको ये फायदा है, Mr. B, as per this example, he enjoys full 2 months period for paying this debt off. A drawer can convert the bill into cash by getting it discounted with the bank. अब देखिए इसके अंदर एक बहुत ही important और interesting feature ये है कि जो मैंने बात बोली कि maker और जो ड्रॉअर है और जो पे है वो अलग हो सकते हैं, उसकी पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो ड्रॉअर है, वंस द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, कैन गो टू द बैंक और उस बिल को देकर के वो उस बिल के बदले जो कैश है उस बिल का वो ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का डिमांड ड्राफ्ट है आप मान करके चल सकते हैं, जिसको बैंक में दिखाकर ऑन द काउंटर ड्रॉअर कैन टेक मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। से फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले ही मिस्टर ए को, 2 महीने के अंदर ही मिस्टर ए को कैश की जरूरत पड़ गई, ही विल नॉट गो टू द डेटर, ही विल नॉट गो टू द मिस्टर बी हु इज द ड्रॉई कि मुझे अभी पैसे दे दो, ही विल गो टू द बैंक विद दैट एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको दिखाएगा काउंटर पर, तो बैंक उस बिल को अपने पास रखकर स्टैंप कर देगा कि आई हैव पेड द बिल, और कुछ अमाउंट काट करके, कुछ चार्जेस काट करके, उस बिल के एक मिनिमल नॉमिनल चार्जेस होते हैं, उस बिल का पूरा पैसा उसको रिटर्न कर देगा। मान लीजिए 1,000 रुपए का बिल है तो 20 रुपए काट लेगा और 980 रुपए ड्रॉअर को वापस कर देगा, ताकि ड्रॉअर को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से अपने पैसे का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, या बिल डिस्काउंटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बैंक पे करता है, इससे समझ में आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट and you can use it anytime by getting it discounted from the bank. कितने टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं? Payable at site, on demand और presentation, ये पहला तरीका है कि जब बैंक के सामने ये बिल आएगा उसको पेश किया जाएगा, डिमांड पर पेमेंट हो, payable after a certain time in future, ये After certain time in future, जब आपने क्रेडिट पीरियड दे दिया 2 महीने का 3 महीने का, तो वो बिल पेएबल आफ्टर सम टाइम होता है। एक बिल है जिसके अंदर कोई टेन्योर नहीं होता और वो पेएबल एट साइट ऑन डिमांड और प्रेजेंटेशन होता है। दिस डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस।
एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। जब ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर ड्रॉई के पास भेजता है, द ड्रॉई रिसीव्स इट एंड साइंस अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल विद और विदाउट वर्ड्स एक्सेप्टेड। अगर बिल आने के बाद ड्रॉई उसके फेस पर टेढ़ा साइन करता है स्टैंप के बगल से, अक्रॉस साइन कर देता है और उस पर एक्सेप्टेड लिख देता है या नहीं भी लिखता है, साइन कर देता है, दैट साइन इज इनफ ऑफ एन एविडेंस दैट द ड्रॉई हैज एक्सेप्टेड द बिल। और अगर वो एक्सेप्टेड लिखकर साइन कर देता है तब भी उसे एक्सेप्टेंस माना जाता है। तो इस बात को नोट कर लिया जाए कि ओनली द सिग्नेचर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज साइन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्रॉस साइन करना होता है उसको बिल के ऊपर, फ्रंट पे उसके अक्रॉस द बिल टुवर्ड्स द स्टैम्प्ड एरिया। दो तरीके की एक्सेप्टेंस हो सकती है, जनरल और अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड। दो तरीके की एक्सेप्टेंस हो सकती है, जनरल और अनक्वालिफाइड, जिसके अंदर किसी भी तरीके की, जनरल के अंदर कोई कंडीशन आप नहीं रखेंगे। सेकेंड इज क्वालिफाइड, जिसके अंदर आप कुछ एक कंडीशन, कुछ एक बात लिख करके उसे साइन करेंगे। लेट अस गो एंड क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज जनरल और अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। ड्रॉई एक्सेप्ट्स टू पे द होल अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल विदाउट एनी कंडीशन, केवल साइन कर देता है या साइन करने के साथ एक्सेप्टेड लिख देता है, तो उसको माना जाता है कि ये जनरल एक्सेप्टेंस है, अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है और पूरा अमाउंट जिस डेट पर लिखा है उस डेट पर ड्रॉई पे करने को तैयार है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इसकी एग्जैक्टली उल्टा होती है, ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है बिल और उसके ऊपर कोई कंडीशन मेंशन कर देता है रिगार्डिंग अमाउंट और टेन्योर ऑफ द बिल। उसके ऊपर कोई अमाउंट रिलेटेड या टेन्योर ऑफ द बिल रिलेटेड कंडीशन मेंशन कर देता है, उस कंडीशन में इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। राइट, ही साइंस द बिल अक्रॉस एंड राइट्स अ कंडीशन रिलेटिंग टू इट्स ईदर अमाउंट और टेन्योर ऑफ द बिल। तो इस कंडीशन में इस एक्सेप्टेंस को आप क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। होल्डर, ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। हु इज अ होल्डर? द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द मनी ड्यू ऑन अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक। वो आदमी जो किसी भी तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज को, जिसको आप प्रॉमिसरी नोट भी बोल सकते हैं, चेक को भी बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को का पैसा रिसीव करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है, उसको होल्डर कहा जाता है। होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ होल्डर हैज लॉफुली रिसीव्ड पोजेशन ऑफ एनी कमर्शियल पेपर। इस तरीके का कोई भी कमर्शियल पेपर लॉफुली जिसके पास है पोजेशन में, उसको आप होल्डर बोलते हैं। अभी हम होल्डर के ऊपर बाद में आ जाएंगे, बट अगर आपको मैं बिल डिस्काउंटिंग के प्रोसेस पर वापस लेके जाऊं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा 2 महीने के क्रेडिट पर, उनको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मिस्टर बी एज अ ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज और उन्होंने ए को वापस कर दिया, लेकिन मिस्टर ए को 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, वो बैंक के पास चले गए और उन्होंने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, उन्होंने बैंक से 1000 के बदले 980 रुपए ले लिए और बिल बैंक को दे दिया, बैंक ने उसको स्टैंप कर दिया। नाउ बैंक इज द होल्डर of the bill of exchange or he the bank becomes the lawful possessor of the bill of exchange, the commercial paper. Now bank has all the legal right to recover or receive the money mentioned on the bill of exchange. Kisse? Drawee se, Mr. B se. Ab bank lega unse paise kyunki Mr. A apna paisa bank se discount kara ke le chuke. तो लीगली मिस्टर ए इज लेफ्ट विथ नो लीगल राइट टू टेक मनी फ्रॉम मिस्टर बी। इन केसेस में मैंने शुरुआत में बताया था दैट द ड्रॉअर एंड द पेई मे बी डिफरेंट। बिल डिस्काउंटिंग के प्रोसेस में ड्रॉअर ने पहले ही पैसा निकाल लिया बैंक से जाकर के, इस कंडीशन में पेई बैंक बन गया। नाउ मिस्टर बी विल गो एंड पे टू बैंक द मनी मेंशनड ऑन The bill of exchange. Bill of exchange पर जो money लिखा हुआ है, amount लिखा हुआ है, sum लिखा हुआ है, उसको अब Mr. B as a drawee जाकर bank को pay करेंगे, जो payee बन गया है
लीगल केस में उसको होल्डर बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है। नाउ अब एक कंडीशंस कुछ होल्डर इन ड्यू कोर्स की आती है जो आई थिंक मेरे को लगता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो पहले आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके फीचर्स, उसकी पार्टीज, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के टाइप्स को आप पढ़ लीजिए, होल्डर को भी पढ़ लीजिए, बुक से भी इसको एक बार आप लोग रिव्यू कर लीजिए। ये मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए शेयर किया है ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स में समझ में आ जाए, बट बुक के अंदर जो भी डिटेल्स लिखी हैं वो काफी हद तक वैलिड हैं, सही हैं और लीगली टेनेबल हैं। उसको आप पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स और बाकी जो इसके अलग अलग हिस्से हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स, प्रॉमिसरी नोट या हुंडी, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और सब चीजें, ठीक है। थैंक यू।